मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूव्रतां जातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। हम नवे अध्याय का पूरा पाठ करते हैं जिसमें 47 सूत्र हैं और मुख्यता से संवर का और निर्जरा का वर्णन है। पहले बंद तत्व का वर्णन 8वें अध्याय में पूर्ण हुआ था। अब संवर का वर्णन करने के लिए पहले संवर क्या है उसकी परिभाषा देते हुए कह रहे हैं, आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध यानी रुकना संवर है। जिन कारणों से कर्मों का आश्रव होता था उन कारणों का दूर करने का नाम संवर है। 108 दरवाजे जिनके माध्यम से कर्मों का आश्रव होता था उनका रुकना यहाँ पर संवर के रूप में अपन समझ सकते हैं। ये संवर के द्रव्य संवर और भाव संवर के भेद से दो भेद होते हैं। अब उन संवर के क्या कारण हैं उनको बतलाते हुए अगले सूत्र में सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। वह संवर गुप्ती से समिति से धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र के माध्यम से होता है। फिर और किसके कारण से होता है तो संवर के अन्य कारण बता रहे हैं, तपसा निर्जराच। तपसा निर्जराच। हाँ, तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। दोनों चीज़ों को बतलाने के लिए यहाँ पर पहले भी अपन निर्जरा का वर्णन 8वें अध्याय में पढ़ा था लेकिन यहाँ पर 9वें अध्याय में भी पुनः संवर के बाद में निर्जरा आनी चाहिए इसलिए यहाँ पर इसको दिया गया है। अब इनमें सबसे पहला जो गुप्ती बताया था संवर का कारण उसकी परिभाषा देते हुए अगले सूत्र का अवतार होता है, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। हाँ, समीचीन प्रकार से योगों का यानी मन वचन काय का निग्रह करना ये गुप्ति कहलाता है। तो ये तीन प्रकार की मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति के भेद से तीन गुप्तियाँ होती हैं। फिर 5 समितियाँ जिसमें गुप्ती के पालन करने में जो असमर्थ हैं उनके लिए प्रवृत्ति में सावधानी रखने के लिए 5 समितियाँ बताई जा रही हैं। ईरिया भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। हाँ, इसमें ईरिया समिति भाषा समिति ईषणा समिति आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। हम दिन भर में क्या करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, रखते हैं, उठाते हैं किसी चीज़ को, तो उसी संबंधी सावधानी रखने के लिए तो ईरिया समिति 4 जमीन देख करके चलना, भाषा समिति हितमित प्रिय वचन बोलना, ईषणा समिति आगम में जैसा बताया है उस प्रकार से आहार करना, आदान निक्षेपण समिति रखकर देखकर जो है चीज़ को रखना पिछी कमंडल आदि को और उसमें शास्त्र आदि को पिछी से परिमाण करके रखना उठाना ये आदान निक्षेपण समिति, और उत्सर्ग समिति मलमूत्र का विसर्जन प्रासव के स्थान पर करना। अब इसके बाद में तीसरा कारण उसमें धर्म बताया था तो 10 धर्मों का वर्णन कर रहे हैं, उत्तम क्षमा मार द्वारजव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणी धर्मः। हाँ, इसमें उत्तम क्षमा जिसमें कि क्रोध की उत्पत्ति होने पर भी यानी क्रोध की उत्पत्ति के असही कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, उत्तम मार्दव अभिमान नहीं करना, उत्तम मार्जव योगों में सरलता, उत्तम शौच लोभ की निवृत्ति, उत्तम सत्य सत्य वचन बोलना, उत्तम संयम प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों के विषय में विरक्त होना, उत्तम तप कर्मों के क्षय करने के लिए तपों का पालन करना उत्तम तप, और उत्तम त्याग उसमें चेतन अचेतन पदार्थों का त्याग करना, उत्तम आकिंचन पर पदार्थों से ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना उत्तम आकिंचन, और उत्तम ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा में रमण करना। अब इसके बाद में 12 भावनाएं जिनको 12 अनुप्रेक्षाएं भी कहते हैं उसका सूत्र आ रहा है, अनित्याशरण संसार एकत्वान्यत्वा सुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। ये 12 भावनाएं जिसमें अनित्य भावना संसार में सब कुछ अनित्य है, असरण भावना मरते हुए को बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है, संसार भावना जिसमें जीव सारे संसार में परिवर्तन करता है, एकत्व भावना अकेला ही उत्पन्न होता है मरण प्राप्त करता है अपने फलों को भोगता है, अन्यत्य भावना शरीर भी हमारा नहीं है इस प्रकार की भावना, असुचि भावना शरीर का स्वभाव देख करके इससे राग को त्याग करने के लिए,
और आश्रव भावना, कर्मों के आश्रव जिनके माध्यम से होते हैं उनसे बचने की भावना, संवर भावना जिस प्रकार से छेद रहित नाव ही पार होती है उस प्रकार से कर्मों के आश्रव को बचाने के लिए संवर भावना, फिर निर्जरा भावना तप के माध्यम से निर्जरा होती है उस निर्जरा की भावना, लोक भावना जिसमें पूरे लोक का चिंतन करना ये लोक भावना है, और बोधि दुर्लभ भावना जो धर्म आदि है बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है मनुष्य पर्याय आदि इसके बारे में चिंतन करना, और धर्म भावना जो अहिंसा लक्षण धर्म है रत्नत्रय धर्म है उसके बारे में चिंतन करना ये धर्म भावना। इस प्रकार से ये 12 भावनाओं का हुआ। अब इसके बाद में परिचय का वर्णन आता है, तो परिचय संबंधी इसमें 10 सूत्रों के बारे में अपन यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले परिचय क्यों सहन किए जाते हैं उसके लिए मार्ग्या च्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्या परिशहा। हाँ, जो मोक्ष का मार्ग है वो छूटे नहीं और निर्जरा करने के लिए परिचयों को सहन करना चाहिए। अब उन परिचयों में वो 22 परिचय कौन कौन से होते हैं उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सैया क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। हाँ, इसमें क्षुधा यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, शीत उष्ण, दंशमशक मच्छर आदि के काटने पर, नग्नता, आरती स्त्री चर्या निषद्या सैया आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय होते हैं। इनको समता से सहन करने से निर्जरा होती है। अब ये जो परिचय हैं क्या सभी को एक साथ बराबर होते हैं, इसमें कुछ विशेषता है, तो उसको बतलाने के लिए कह रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त बीतरागियोस चतुर्दश। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान होता है और बीतराग छद्मस्त जो छद्मस्त होते हैं वो 12वें गुणस्थान तक के जीवों को छद्मस्त कहा जाता है। तो इसमें बीतराग छद्मस्त में 11वें 12वें गुणस्थान वाले इन सबके 14 परिचय होते हैं। एकादश जिने केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। इसमें जो परिचय भगवान के वहाँ पर बेदनी का भी उदय है इसलिए वहाँ पर ये गिने जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान का वहाँ पर मोह का क्षय हो चुका है इसलिए वो परिचय वहाँ पर कुछ कार्यकारी नहीं है, केवल उपचार से क्योंकि उसका उदय चल रहा है इसलिए बताए जाते हैं। जैसे भगवान का जो ध्यान होता है चूँकि कर्मों की निर्जरा हो रही है इसलिए ध्यान भी उपचार से वहाँ पर स्वीकार किया जाता है। फिर पूरे परिचय कहाँ पर होते हैं, बादर सांप्राय सर्वे बादर सांप्राय यानी 6ठे गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान तक सारे परिचय होते हैं। अब इन परिचयों में कौन कौन से कर्म के उदय से ये परिचय होते हैं तो उसके लिए बता रहे हैं। ज्ञानावरणी प्रज्ञा ज्ञाने हाँ, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिचय होते हैं। अब इसमें प्रज्ञा परिचय कैसे होता है तो यहाँ पर जो क्षयोपशम ज्ञान होता है वो वहाँ पर उसमें मोह के कारण ना होकर के भी उसमें क्षयोपशम ज्ञान में ऐसी अनुभूति लगने लगती है कि हमको बहुत कुछ जानते हैं इसलिए उसके माध्यम से वहाँ पर ये प्रज्ञा परिचय ज्ञानावरणी के उदय से होता है। फिर दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। हाँ, दर्शन मोह के उदय से अदर्शन परिचय और अंतराय के अर्थात लाभांतराय के उदय से अलाभ परिचय होता है। अब चारित्र मोहिनी के उदय से, क्योंकि यहाँ पर दर्शन मोहिनी का तो बता दिया दर्शन, अब चारित्र मोहिनी से जो प्रकृति है उससे कौन कौन से परिचय होते हैं तो उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। हाँ, ये चारित्र मोहिनी से होने वाले हैं। इसमें भी मान कषाय के उदय से नाग्न्य निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, अरति कषाय के उदय से अरति परिचय और स्त्री वेद के उदय से स्त्री परिचय होता है। अब वेदनी के उदय से होने वाले जो बचे हुए परिचय हैं उनका ज्ञान कराने के लिए कह रहे हैं वेदनीय शेषाः। हाँ, वेदनी कर्म के उदय से बाकी के शेष परिचय होते हैं जो कि भगवान के 11 परिचय गिनाए गए थे वो 11 परिचय वेदनी से होते हैं। अब ये सारे परिचय एक साथ में
होते हैं या इनमें कुछ अंतर भी है, तो बता रहे हैं एका दयो भाज्या युगपदे कस्मिन नई कौन विंशते है। एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर के 19 परिसय हो सकते हैं, भजनी है यानी एक साथ में 19 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें शीत और उष्ण में एक ही परिसय एक साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मी होगी तो ठंड नहीं, ठंड होगी तो गर्मी नहीं। इसी प्रकार से चर्या शैया निषद्या, जब चल रहे होंगे तो शयन नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, जब शयन कर रहे होंगे तो वहाँ पर चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और जब आसन लगाए होंगे तब उस समय में वहाँ पर शयन करना और चलना संभव नहीं है, इसलिए इन तीनों में से एक परिचय होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ में कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर प्रज्ञा प्रत्यय वहाँ पर जिसका ज्ञान है उसमें ही श्रुत ज्ञान का अभिमान के कारण हो सकता है, और जो अज्ञान है जैसे अवधि ज्ञान मनह परिज्ञान नहीं होने पर उसमें वहाँ पर हीनता की अनुभूति होने से अज्ञान परिचय एक साथ में दोनों की होने में बाधा नहीं है। अब इसके बाद में चारित्र ही एक आया था उसमें संबर के हेतुओं में, तो अब चारित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम। हाँ, पांच प्रकार का चारित्र होता है। सामयिक चारित्र जिसमें सारे पापों का त्याग करना वो सामयिक चारित्र है। छेदोपस्थापना दोष लगने पर उसका प्रायश्चित आदि करके शोधन करना छेदोपस्थापना है। परिहार विशुद्धि चारित्र जिसमें ऐसे ही भगवान के चरणों में रह करके प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने से ऐसी रिद्धि जैसी प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से जीवों का घात नहीं होता, ऐसे मुनिराज प्रतिदिन 2 कोस का गमन करते हैं, वो परिहार विशुद्धि चरित्र होता है। सूक्ष्म सांप्राय चरित्र 10वें गुण स्थान में जब कसाय अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है वो सूक्ष्म सांप्राय संयम या चरित्र है। और यथाख्या संयम जैसा आत्मा का वितराग स्वरूप है कषायों से रहित, उस संयम को वहाँ पर यथाख्या संयम या यथाख्या चरित्र कहते हैं। अब तपसा निर्जरा सूत्र था उसके चरित्र के बाद में, तो तप वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं संबर के हेतु में, वो उसमें बाह्य तपों को यहाँ पर बतला रहे हैं। अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा बाह्यन तपः। अनशन तप 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन या उपवास कहलाता है। अवमोदर्य जिसको उनोदर भी कहते हैं, अपने पेट की भूख से थोड़ा कम खाना वो अवमोदर कहलाता है। वृत्ति परिसंख्यान जिसमें नियम लेकर के आहार के लिए जब साधु निकलते हैं उसमें ग्रह आदि का नियम लेकर के, वो वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग वहाँ पर जो 60 रस होते हैं उनमें से किसी का त्याग करना रस परित्याग। विविक्त सयासन एकांत स्थान में शयन और वहाँ पर आसन लगाना वो विविक्त सयासन। काय क्लेश जिसमें शरीर को कष्ट देने वाले आतापन वृक्षमूल अभ्राव का जैसे मुनिराज 4-4 महीने के लिए करते थे उनका वहाँ पर जितना बन सकता है उतना करना, कठिन आसन लगाना आदि, ये भी काय क्लेश तप के अंतर्गत आता है। अब इनको बाह्य तप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से दिखाई भी देते हैं, बाह्य द्रव्यों के आलम्बन से होते हैं भोजन आदि के माध्यम से, और उनमें ये तप अन्य मिथ्या दृष्टि भी अन्य मतावलंबी भी कर सकते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहा जाता है। अब अभ्यंतर तप के बारे में बता रहे हैं अगले सूत्र में। प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर ध्यानान्युत्तरम। हाँ, प्रायश्चित जिसमें पूर्व के संचित जो पाप हैं उनको समाप्त करने के लिए जो प्रायश्चित लिया जाता है वो प्रायश्चित तप है। विनय वहाँ पर स्वाध्याय संयम संघ गुरु आदि की विनय करना, ये विनय तप है। फिर वैयावृत्य वहाँ पर गुणों में अनुराग पूर्वक संयमजनों की आपत्ति को दूर करना वैयावृत्ति है। स्वाध्याय जहाँ पर पापों का नाश करने के लिए अपने कल्याण करने के लिए या आलस को हरने के लिए ज्ञान भावना से जो किया जाता है वो स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग शरीर की ममता और बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग या कायोत्सर नाम का तप है। अब इसके बाद में इनके भेद उत्तर भेदों को बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। नव चतुर्दश पंचद्वेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। हाँ, इसमें 6 भेद हैं, इसमें ध्यान के पहले पहले उनके 9, 14, 10, 5, और 2 भेद होते हैं। तो उसमें वैयावृत्ति के ने प्रायश्चित के 9, विनय के 4, वैयावृत के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर के 2 भेद हैं। अब उसमें प्रायश्चित के जो 9 भेद बतलाए हैं उनको बतला रहे हैं। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर तपश्चित परिहारोपस्थापना। हाँ,
आलोचना किसको कहते हैं, जिसमें कि दो गुरु के सामने अपने दोषों का निवेदन करना। फिर प्रतिक्रमण, जिसमें मेरे दोष मिथ्या हो, इस प्रकार से जो पाठ किया जाता है वो प्रतिक्रमण। तदुभय यानी दोनों को मिला करके। विवेक, जिसमें कि जैसे छोड़ी हुई वस्तु का यदि ग्रहण कर लिया जाता है तो उसको पुनः त्याग कर देना, ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। व्युत्सर्ग, कायुत्सर्ग आदि करना। फिर तप, जिसमें प्रायश्चित के लिए जो तप किया जाता है उसका, वहाँ पर उपवास आदि के माध्यम से। छेद, जिसमें वहाँ पर उनकी दीक्षा का छेदन कम कर दिया जाता है वो छेद। परिहार, संघ से दूर भेजना। उपस्थापन, जिसमें कि मूल छेद करके पुनः दीक्षा दी जाती है, वो उपस्थापन नाम का प्रायश्चित कहलाता है। इसके बाद में विनय तप के चार भेद बतलाते हुए कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, ये तीन गुण की विनय है। और उपचार विनय, यहाँ पर गुण के साथ साथ में गुणी की विनय, तो जो जिन गुणों से युक्त हैं, जैसे मुनियों के आने पर खड़े होना, वंदना करना, गुरु से नीचे बैठना, उपकरण आदि देना, ये उपचार विनय के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में बैया व्रत तप के भेद बतलाते हुए उनके पात्रों के अपेक्षा से भेद बतला रहे हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी सेक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। हाँ, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, इनके बारे में तो आप जानते हैं। तपस्वी जो महान तप करने वाले होते हैं, सेक्ष जो शिक्षण में तत्पर रहते हैं, ग्लान जिनके शरीर में रोग हो, गण वृद्ध मुनियों के समूह को गण कहते हैं, कुल एक आचार्य की जो शिष्य परंपरा होती है कुल कहलाती, संघ जिसमें ऋषि मुनि यति अनगार के भेद से या मुनि आर्य का श्रावक साबिका के भेद से चार प्रकार का संघ होता है, साधु जो चिरकाल से दीक्षित होते हैं उनको साधु, मनोज्ञ जो लोकप्रिय मुनि होते हैं या जो दीक्षा के अभिमुख होते हैं वो भी मनोज्ञ बैया वृत्ति के योग्य कहे जाते हैं। अब इसके बाद में स्वाध्याय के भेद बतलाते हुए कह रहे हैं, वाचना प्रचनानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशाः। हाँ, वाचना जिसमें ग्रंथ अर्थ और दोनों का प्रदान किया जाता है वो वाचना, प्रश्ना अपने संदेह को दूर करने के लिए और जो जानते हैं उसको दृढ़ करने के लिए पूछना प्रश्ना है। अनुप्रेक्षा, पड़े हुए का बार बार अभ्यास करना अनुप्रेक्षा। आमनाएं, बहुत जल्दी भी नहीं बहुत धीरे भी नहीं, वहाँ पर उच्चारण संबंधी दोषों से रह जो पाठ किया जाता है वो आमनाय नाम का स्वाध्याय है। धर्मोपदेश, जिसमें महापुरुषों की कथा का आलम्बन लेकर के उपदेश दिया जाता है वो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। अब व्युत्सर तप के दो भेद बतलाते हुए कह रहे हैं, बाह्याभ्यंतरोपद्योः। हाँ, इसमें बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि, वैसे तो पूरे परिग्रह का त्याग हो गया है, इसमें बाह्य उपधि में वैसे स्त्री पुत्र धन सोना चांदी दुकान मकान बहन भाई संबंधी परिवार आदि सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुनिराजों की अपेक्षा से उनके जो उपकरण रहते हैं उनका भी त्याग करना बाह्य उपधि का त्याग है। अभ्यंतर उपधि में जो अंदर की कसाई आदि रहती है उनका त्याग करना, इस प्रकार से दोनों का त्याग करके काय के ममत को छोड़ना, ये उपसर्ग उत्सर्ग क्या बोलें कायोत्सर्ग या विसर्ग नाम का तप कहलाता है। अब इसके बाद में अब ध्यान का प्रकरण चालू हो रहा है, तो तीन सूत्रों में ध्यान का विशेष वर्णन कर रहे हैं। उत्तम संग ननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संगनन वालों का एकाग्र चिंता निरोध यानी चित्त के अन्य विकल्पों को छोड़ करके अपने मन को एक में लगाना, यही ध्यान है और ये अंतर मुहूर्त तक ही होता है। इसमें उत्तम संगनन में तीन जो छह संगनन में तीन संगनन होते हैं जिसमें कि उपसम श्रेणी छपक श्रेणी पर चढ़ने की सामर्थ्य होती है उनके लिए यहाँ पर मुख से ध्यान का स्वामी कहा है। अब ध्यान के कितने भेद हैं, तो आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। हाँ, आर ध्यान जो दुखी होते हैं वो आर ध्यान कहलाता है, जब पापों में प्रसन्न होते हैं वो रौद्र ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान अभी आगे अपन इसके भेद देखेंगे और शुक्ल ध्यान, ऐसे चार भेद इसके होते हैं। अब इन चार ध्यानों में प्रशस्त ध्यान कौन से हैं, अप्रशस्त कौन से हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं परे मोक्ष हेतु। हाँ, पीछे के जो दो ध्यान हैं वो मोक्ष के हेतु हैं, इससे अर्थापत्ति न्याय से ने बचे हुए जो दो ध्यान क्या हैं, तो अपरे संसार हेतु, बाकी के पहले दो ज्ञान ध्यान हैं जो वो संसार के कारण हैं। अब इसमें चार सूत्रों में आर ध्यान के भेद बता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रथम आर ध्यान, आर्त ममनोज्यस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। हाँ, आर्त यानी हो गया ये आर्त ध्यान,
अब क्या बोल रहे हैं, अमनोज्ञस्य, अप्रिय पदार्थों का संप्रयोग यानी संबंध होने पर, संयोग होने पर उनके दूर करने के लिए बार बार मन में जो चिंतन चलता है वो प्रथम आर्ध्यान है। इसको छोटे रूप में जाने अपन तो योगज, यानी जिसमें अप्रिय चीज का योग होने पर जो उत्पन्न होता है वो पहला आर्ध्यान है। विपरीतम मनोज्ञस्य, हाँ, इससे विपरीत यानी मनोज्ञ का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए बार बार चिंतन करना, ये इष्ट वियोगज आर्ध्यान है। इसको छोटे में अपन देखें तो वियोगज नाम इसका अपन ले सकते हैं। वेदनायाश्च, हाँ, शरीर की वेदना होने पर उसके दूर करने के लिए बार बार चिंतन चलना, ये वेदना नाम का तीसरा आर्ध्यान है। निदानंच, आगे भविष्य में कुछ पद प्राप्ति के लिए कुछ भोगाकांक्षा की बात मन में चलती रहती है, वो निदान नाम का आर्ध्यान कहलाता है। अब ये आर्ध्यान के स्वामी कौन कौन हैं? तो तदा विरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम, हाँ, अविरत यानी एक से लेकर चार गुणस्थान तक, देशव्रत यानी पांचवें गुणस्थान बढ़ती, प्रमत संयत जो छठे गुणस्थान बढ़ती, इनको आर्ध्यान होता है। लेकिन मुनियों को जो आर्ध्यान होता है उसमें निदान नहीं होता। अब रौद्र ध्यान के भेद और स्वामी एक ही सूत्र में बतला रहे हैं। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयो, हाँ, हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना और विषय संरक्षण में लगे रहना, ये चार प्रकार के रौद्ध्यान होते हैं। और इनमें साथ साथ में कहाँ तक होते हैं? तो देश वृतयो यानी पांचवें गुणस्थान तक अणुवृत्ति को ये रौद्ध्यान होते हैं। अणुवृत्ति जो वृत्ति भी हो गया है उसके पास में भी परिग्रह रखता है, जब तक चाबी है तब तक आचार्य कहते हैं वहाँ पर रौद्र ध्यान पूरी तरह से संभावित है। अब धर्म ध्यान के भेद बता रहे हैं लेकिन स्वामी का वर्णन इसमें नहीं किया। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या कहलाता है? भगवान की आज्ञा का पालन करना, उन्होंने जो कुछ बताया है उसका पालन करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय, यहाँ पर दुख कैसे दूर हो, दूसरों का दुख कैसे दूर हो, इसका चिंतन करना अपाय विचय। विपाक विचय, कर्म के फल के बारे में चिंतन करना है विपाक विचय। संस्थान विचय, लोक के आकार स्वभाव का चिंतन करना, ये संस्थान विचय है। अब इसमें स्वामी नहीं बतलाए हैं तो यहाँ पर आर्ध्यान के स्वामी छठे गुणस्थान तक बतलाए हैं, रौद्ध्यान के स्वामी पांचवें गुणस्थान तक बतलाए हैं। इसका मतलब है अप्रमत्त जो मुनिराज हैं वो उस धर्म ध्यान के स्वामी होते हैं। बाकी चौथे गुणस्थान से भी सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ वार्तिक में स्वामी माना है, लेकिन मुख्य जो है धर्म ध्यान के स्वामी मुनिराज होते हैं। श्वेतांबरों में तो इस सूत्र में ही आगे उनमें लिखा है अप्रमत्त संयतस्य, उनके यहाँ सूत्र ही इस प्रकार से बनाया गया है। अब शुक्ल ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। शुक्ल ध्यान का वर्णन 8 सूत्रों में होगा जिनमें वहां पर पहले शुक्ल ध्यान के स्वामी के बारे में बता रहे हैं। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, आदि के जो दो शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्वविद यानी श्रुत केवली को होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा देखेंगे अपन तो फिर जिनको कुछ नहीं आता था उन मुनिराज ने भी वहां पर नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, तो वहां पर ये उत्कृष्ट रूप से बतलाया गया है जगन्य से, तो वहां पर आचार वस्तु का भी यदि ज्ञान है यानी उनको उपचर्या का भी ज्ञान है तो भी उससे भी मुक्ति के वो पात्र बन जाते हैं। परे केवल न, अंतिम दो ध्यान जो केवली के हरी होते हैं, तो अयोग केवली और सेव केवली के दो ध्यान होते हैं। अब वो चार शुक्ल ध्यान कौन से हैं उनको बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। पृथक तो एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी, हाँ, पृथक तो वितर्क विचार जिसके ध्यान से मोहनी कर्म का नाश होता है, एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान जिससे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का नाश होता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति जिस ध्यान से योग का निरोध होता है और विपरीत क्रिया निवृत्ति जिससे अघातीय कर्मों का नाश होता है, ऐसे ये चार शुक्ल ध्यान होते हैं। अब इन शुक्ल ध्यान में किसका अवलंबन लेते हैं? त्रेक योग काय योगा योगा नाम, हाँ, पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों से, दूसरा शुक्ल ध्यान किसी एक से यानी मन वचन काय में से किसी एक योग से होगा, उसमें तीनों से हो सकता है इसमें किसी एक से होगा, फिर तीसरा ध्यान काय योग से और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवली को यानी अयोगी अयोग अवस्था में होता है। अब इनमें पहले शुक्ल ध्यान की क्या विशेषता है? एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, हाँ, पूर्व यानी पूर्व के दो ध्यान के बारे में बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं
पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार, ये शुक्ल ध्यान एक के आश्रय से सवितर्क यानी वितर्क का श्रुत का आलम्बन लेकर के और विचार सहित होते हैं। विचार का परिवर्तन होता है, अपने आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बारे में कह दिया, लेकिन दूसरा ध्यान जो होता है उसमें विचार नहीं होता, तो उसके वहाँ पर विशेषता के लेके रहे अविचारण द्वितीयम। हाँ, दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित होता है। अब यहाँ पर वितर्क और विचार दो शब्द नए आए हैं, तो वितर्क क्या होता है? तो वितर्क श्रुतम। हाँ, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, जहाँ पर विशेष तर्कणा चलती है वो वितर्क कहलाता है। फिर विचार क्या है? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति है। हाँ, उसमें अर्थ व्यंजन और योग के परिवर्तन को विचार कहते हैं। तो अर्थ संक्रांति क्या रहती है? द्रव्य को छोड़ करके पर्याय का, पर्याय को छोड़ करके द्रव्य का ध्यान करना, ये अर्थ संक्रांति हो गई। व्यंजन संक्रांति, शुद्ध ज्ञान के किसी शब्द का आलम्बन लेकर के उसको छोड़ करके दूसरा ले लिया, जैसे चेतन, फिर आत्मा, फिर ज्ञान, इस प्रकार से शब्दों को छोड़ करके वहाँ पर आलम्बन लेकर के ध्यान किया जाता है, वो व्यंजन संक्रांति। योग संक्रांति, काय योग को छोड़ करके मनोयोग, मनोयोग को छोड़ करके वचन योग, फिर पुनः काय योग का आलम्बन ले लिया, इस प्रकार से ये योग संक्रांति। अब ये यहाँ पर जो निर्जरा होती है वो सम्यक दृष्टि आदि सबकी समान होती है, उसमें कुछ अंतर होता है, तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंद वियोजक दर्शन मोक्षपकोप शमकोप शांत मोक्षपक्षीण मो जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। हाँ, इसमें क्रम से जो है इनकी असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो उसमें पहले जो सम्यक दृष्टि की निर्जरा, जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय में वो वहाँ पर साथी से मिथ्या दृष्टि कहलाता है, उसकी तुलना में इसकी असंख्यात गुणी, इससे असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की अनुवृत्ति की, इससे ज़्यादा मुनि की, मुनियों से ज़्यादा जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे हैं। विसंयोजना क्या कहलाती है? अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि में परिवर्तन करना विसंयोजना कहलाती है। लेकिन विसंयोजना में और संक्रमण में अंतर होता है। विसंयोजना क्या होती है? वापस भी आ जाती है, जैसे किसी का ट्रांसफर हो गया, भारी सामान यहीं छोड़ करके चला गया, और पुनः यदि वहीं पोस्टेड हो गया तो अपने सिलबट्टे आदि उसने वापस ले लिए, तो इस प्रकार से अनंतानुबंधी वापस आ जाती है। फिर इसके बाद में दर्शन मोह की छपना करने वाले, यानी जो छायिक समय तो प्राप्त करते हैं, इसके बाद में जो उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले, उसके बाद में ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपशांत मोह, उसके बाद में मोह की छपड़ा करने वाले यानी छपक श्रेणी वाले, उसके बाद में छीन मोह यानी बारहवें गुणस्थानवर्ती, फिर जिन, तो जिन में वहाँ पर देखा जाए तो सामान्य जिन हो गए, उसके बाद में तीर्थंकर जिन हो गए, इसकी अपेक्षा से लगा सकते हैं। फिर जिन में भी जो समुद्घात कर रहे हैं, फिर अयोग केवली, इसमें भी वहाँ पर असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा को समझाने के लिए हमने एक उदाहरण पहले सुनाया था, उसमें एक पैसा बोल दिया था, उसमें एक पैसा की जगह एक रुपये की बात है ना, एक रुपया दिए हैं, एक रुपये की तुलना में वहाँ पर लगाएं। एक व्यक्ति ने, एक सेठ ने कहा कि हम तो 6 महीने में दुगना कर लेते हैं, तो उसने कहा फकीर ने कि हमारा एक रुपये लेना, हमको भी दुगना करके दे देना अगले कुंभ में। तो अगले कुंभ में उसने कहा कि लाओ हमारा जो हिसाब करो, हमने आपको पैसा दिया था, तो उसने कहा 10-20 रुपये ले लो। कहें 10-20 रुपये कम दे देना, लेकिन हिसाब तो पक्का होना चाहिए। जब उसने हिसाब करने के लिए बताया तो 1,67,37,216 रुपये निकले। 1 रुपये के 24 किस्तों में दुगना दुगना करेंगे तो इतना रुपये हो जाता है। तो ये असंख्यात गुणी, यहाँ पर दुगने दुगने में इतना हो जाता है, तो असंख्यात गुणी में क्या होता है? अब इसके बाद में निर्ग्रंथों के भेद बतलाने के लिए कह रहे हैं पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाह निर्ग्रंथाः। हाँ, पुलाक जो मुनिराज होते हैं, जिनके उत्तर गुणों की पालना करने की भावना नहीं होती है, कभी किसी के दबाव में वहाँ पर मूल गुण में भी दोष लग जाता है, वो पुलाक मुनि कहलाते हैं। बकुश मुनि जो मूल गुणों का तो अखंड पालन करते हैं, लेकिन शरीर और उपकरणों की सजावट में जिनका चित्त लगा रहता है वे बकुश मुनि कहलाते हैं। कुशील मुनि के दो भेद होते हैं, कषाय कुशील, जिन्होंने केवल संजलन कषाय के अधीन है, बाकी सब कषायों पर विजय प्राप्त कर लिए, और प्रतिसेवना कुशील जो होते हैं वो परिग्रह से घिरे रहते हैं, और जो मूल गुण और उत्तर गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना हो जाती है। निर्ग्रंथ, जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह नष्ट कर दिए हैं, और अगले अंतर्मुहूर्त में जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले। स्नातक, जिन्होंने
घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है वो स्नातक यानी केवल ज्ञानी सेव केवली मुनि है। इस प्रकार से इनके पांच भेद होते हैं। अब इनमें पांच में क्या विशेषता है तो उसके लिए आखिरी सूत्र में कहते हैं संयम सुतप्रति सेवना तीर्थलिंग लेशो पाद स्थान विकल्पतः साध्या। हाँ, इनमें संयम को लेकर के सभी में जो है अलग अलग संयम होता है। इसकी अपेक्षा से जो कसाय कुशील होते हैं उनके पास में परिहार विशुद्धि भी रहता है निर्ग्रंथ, और जो स्नातक रहते हैं उनके पास में यथाकथ रहता है, बाकी सबके पास में सामयिक और छेदोपस्थापना रहता है। इसी प्रकार से श्रुत में भी अलग अलग उनके जहाँ पर ज्ञान रहता है, क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो निर्ग्रंथ हैं वो वहाँ पर आगे चल करके केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, स्नातक तो केवल ज्ञानी ही हैं। इस प्रकार से इनके श्रुत में भी अंतर होता है। फिर प्रतिसेवना दोषों की अपेक्षा से भी जो आगे पीछे जो नाम दिए हैं उसमें कषाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक इनमें कोई भी दोष नहीं लगते हैं, बाकी पहले वाले जो हैं उन मुनिराज में वहाँ पर उनके दोष लगते हैं, प्रतिसेवना होती है। सभी तीर्थ में पाए जाते हैं, सभी भावलिंगी मुनि हैं, द्रव्यलिंग की अपेक्षा से उनकी शरीर की ऊंचाई रंग और पिच्छी की अपेक्षा से भेद हो सकता है। लेशिया की अपेक्षा से तीन शुक्लेशिया पुलाक में होती हैं, बकुस में छयोलेशिया बताई हैं, प्रतिसेवना में भी छयोलेशिया बताई हैं, कसाय कुशील में कापोद आदि चार बताई हैं, और निर्ग्रंथ स्नातक में शुक्लेशिया बताई है। उपपाद की अपेक्षा से 12वें स्वर्ग तक पुलाक मुनि, 16वें स्वर्ग तक बकुस मुनि, इसी प्रकार से प्रतिसेवना कुशील भी 16वें स्वर्ग तक, और कषाय कुशील वहाँ पर अनुत्तर तक उत्पन्न हो सकते हैं। निर्ग्रंथ में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, यदि उपसम श्रेणी वाले होते हैं तो अनुत्तर तक जा सकते हैं, और स्नातक तो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। फिर इनमें स्थान की अपेक्षा से इनमें रेस चलती है, तो उसमें कषाय कुशील और पुलाक कुशील के जो संयम स्थान होते हैं वो एक साथ प्रारंभ होकर के सबसे पहले पुलाक की विच्छुत्ति हो जाती है, यानी वो छूट जाते हैं, उसके बाद में संयम लब्धि स्थान आगे चलते हैं, तो उसमें कषाय कुशील के साथ में प्रतिसेवना और बकुस भी आ जाते हैं। सबसे पहले बकुस की विच्छुत्ति हो जाती है, उसके थोड़े देर बाद में प्रतिसेवना कुशील की विच्छुत्ति हो जाती है, उसके असंख्यात प्रदेशों के बाद में कषाय कुशील की विच्छुत्ति हो जाती है, उसके बाद में अकसाय स्थान यानी निर्ग्रंथ किया जाते हैं, और वो आगे चल करके जो है निर्वाण को प्राप्त करने वाले होते हैं, स्नातक के लिए निर्वाण है। इस प्रकार से ये उनके संयम के बारे में अपन वहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से 47 सूत्रों में ये नवा अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें यदि अपन इनको उंगलियों के ऊपर बिठाल करके देखना चाहें तो इसमें पहले सबसे आखिरी में 2 सूत्रों में वहाँ पर उनकी तुलना और 5 प्रकार के मुनियों के बारे में बताया, फिर उसके पहले उनके निर्जरा के स्थान 11 बताए, फिर इसमें 8 सूत्रों में शुक्ल ध्यान का वर्णन था, उसमें विचार क्या है वितर्क क्या है उसके बारे में बताया, 3 सूत्रों में वहाँ पर 2 सूत्रों में दूसरा सूत्र अभिचार वाला है, पहले सूत्र में वहाँ पर एकाश्रय वाला सूत्र है और उनमें कितने कितने योग होते हैं, फिर 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान, उनमें पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है ये बताया, उसके पहले धर्म ध्यान के भेद बताए उनके स्वामी नहीं बताए, रौद्र ध्यान के स्वामी और भेद बताए, फिर आर ध्यान के स्वामी कौन है ये बताया, फिर 4 सूत्रों में 4 प्रकार के आर ध्यान, 3 सूत्रों में ध्यान के बारे में जिसमें परिमोक्ष हेतु और उनके 4 भेद, उसके पहले जो ध्यान का लक्षण बताया, फिर इसके पहले 5 प्रकार के जो प्रायश्चित के अपन ने भेद पढ़े थे नव चतुर्दश वाले सूत्र के पहले बाद वाले वो हुए, उसके बाद में पहले बाह्य तप, उसके पहले नहीं पहले अभ्यंतर तप, उसके पहले बाह्य तप, फिर चारित्र, फिर 5 सूत्रों में वहाँ पर एक सूत्र में सबसे पहले एक साथ में कितने परिचय होते हैं, 4 सूत्रों में किन किन कर्म से कौन कौन से परिचय होते हैं, फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर कौन कौन से गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं, उसके पहले 22 परिचयों के नाम, परिचय क्यों पालन करना चाहिए, उसके पहले वहाँ पर अनुप्रेक्षा के पहले जहाँ पर 10 धर्मों का वर्णन, फिर उसके बाद पहले समिति, उसके पहले गुप्ति, उसके पहले तप और उनके हेतु और आसव निरोधा संवरा, इस प्रकार से 47 सूत्रों में ये नवमा अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले,
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।